जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। तपाचार्य संथारा साधिका गुरुनी मैया श्री हेम कुंवर जी महाराज की सुशिष्या वरिष्ठ उप प्रवर्तनी महासाधवी डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहेब ठाणे पाल शनिवार को सुंदर नगर जैन स्थानक पहुँचे। इस मौके महाराज साहेब ने अपने प्रवचनों से श्रावकों को निहाल किया। वरिष्ठ उप प्रवर्तनी श्रमणी श्रोमणी डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब आज सुंदर नगर में विराजमान थे और आज का प्रवचन उन्होंने यहाँ पर दिया और कल का श्रीपुर के श्री संघ और यहाँ पर उनके प्रधान जी श्री विनीत कुमार जी जैन वो भी अपनी मैनेजमेंट कंपनी के साथ आए हैं और उनकी प्रार्थना पर कल का जो प्रवचन है वो शिवपुरी में रहेगा और प्रवचन का समय यही 8 से 9 बजे तक रहेगा। तो मेरा आप सब लोगों से कहना है शिवपुरी आप अवश्य अवश्य आएँ और प्रवचन का महान जो लाभ है वह प्राप्त करें। श्री शिवपुरी जो श्री संघ है उसमें आप पहली बार जा रहे हैं गुरुनी जी महाराज से तो हो सकता है उनका हो थोड़ा सा कंसर्न, लेकिन मैं तो शायद उस संघ में पहली बार ही जा रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनके संघ के बारे में बहुत ही अच्छा कि बहुत ही श्रद्धाशील बहुत ही भक्ति भावना वाला और बहुत ही एक अच्छा क्षेत्र है ऐसा मैंने सुना है। तो अपने उस क्षेत्र के अनुसार मैं कहूँगी कि वहाँ के संघ को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रवचन के लिए सब लोगों को इसका बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रवचन का लाभ लें ताकि जैसा हमने सुना है वैसा ही हम पाए। और उसके साथ साथ सुंदर नगर वालों से तो हमारा प्राणा नाता है प्राणा रिश्ता है। 98 का चतुर्मास यहाँ किया है गुरुनी जी महाराज की अंतिम सेवा और अंतिम संस्कार उनका सारा जो प्रोग्राम है वो यही श्री संघ ने किया है और यहाँ के साथ तो हमारा प्राणा संबंध है। तो इसलिए सुंदर नगर वालों से मेरा कहना है कि आप सब भी कल को प्रवचन में अवश्य अवश्य आएंगे यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। तो कल का प्रवचन शिवपुरी श्री संघ को मिला है और परसों और उससे अगले दिन 2 दिन का जो प्रवचन है वो सिविल लाइन में रहेगा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। संत रत्न सेवा शिरोमणि शांत मूर्ति पूज्य गुरुदेव श्री आलोक मुनि जी महाराज साहेब ठाणे 3 का 2022 का मंगलमय चातुर्मास एसएच जैन सभा मंडी मुल्लापुर दाखा लुधियाना में होने जा रहे हैं। महाराज साहेब जी का मंगलमय चातुर्मास हेतु प्रवेश 26 जून 2022 को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ। अनेक बार गुरु चरणों में उपस्थित हुआ और उनकी भावभरी विनती को स्वीकार करते हुए आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब सुभद्र मुनि जी महाराज साहब एवं गुरु प्रेमचुक परिवार के हमारे बड़े संत गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब की आज्ञा अनुसार 2022 का चातुर्मास मुल्लापुर श्री संघ को प्रदान किया गया और उसी श्रृंखला में आज वो पावन दिवस वो आया जब आज गुरुदेव श्री आलोक मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे 3 उनका मंगल प्रवेश आज मुल्लापुर श्री संघ के तत्वाधान में मुल्लापुर में हुआ। बहुत ही भव्य रूप से मुल्लापुर के समस्त समाज ने भव्य गुरुदेव का स्वागत किया और पूरे ही समाज में श्री संघ में चातुर्मास को लेकर के खुशी की लहर है, जिसके साथ साथ पूरा संघ पूरा समाज गुरुदेव के चातुर्मास के लिए हर समय सेवा में तत्पर रहने के लिए गुरुदेव के चरणों में आग्रह किया कि गुरुदेव पूरे चातुर्मास हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। सभी संघ के वासियों को मैं गुरुदेव श्री जी की ओर से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चातुर्मास मुल्लापुर श्री संघ के लिए बहुत ही आत्मीय बने, सभी के जीवन में उजाला आए, सबका जीवन में मंगलमय हो, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय वीर जय महावीर। चातुर्मास में विशेष मुल्लापुर श्री संघ का अनंत सौभाग्य कि पहली बार मुल्लापुर श्री संघ के अंदर चौहमुखी जाप का एक आयोजन किया जाएगा जो कि 13 तारीख से प्रारंभ होगा। चारों दिशाओं में विश्व शांति और नगर की शांति संघ की शांति परिवार की शांति के लिए चौहमुखी जाप जो 13 तारीख पहले दिन चातुर्मास से प्रारंभ होगा और निरंतर प्रतिदिन 1 घंटा संवत्सरी तक चलाने का भाव है। शेष जैसा समय होगा आपको अवगत कराया जाएगा, आप भी उस जाप के साक्षी बने तो समय और आपको बाद में बताया जाएगा। जैसा भी समय हो आप भी उस जाप का लाभ लेने का भाव रखें। चातुर्मास में विशेष मुल्लापुर श्री संघ का अनंत सौभाग्य कि पहली बार मुल्लापुर श्री संघ के अंदर चौहमुखी जाप का एक आयोजन किया जाएगा जो कि 13 तारीख से प्रारंभ होगा।
चारों दिशाओं में विश्व शांति और नगर की शांति, संघ की शांति, परिवार की शांति के लिए चौमुखी जाप जो 13 तारीख पहले दिन चातुर्मास से प्रारंभ होगा और निरंतर प्रतिदिन एक घंटा संवत्सरी तक चलाने का भाव है। शेष जैसा समय होगा आपको अवगत कराया जाएगा, आप भी उस जाप के साक्षी बने तो समय और आपको बाद में बताया जाएगा। जैसा भी समय हो आप भी उस जाप का लाभ लेने का भाव रखें। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज साहेब के सुशिष्य उप प्रवर्तक उत्तर भारत गौरव श्री पीयूष मुनि जी महाराज साहेब, श्री संयमेश मुनि जी महाराज साहेब, श्री अभिनव मुनि जी महाराज साहेब ठाणे 3 SH जैन सभा सिविल लाइन्स में विराजमान। इस अवसर पर एक गुणगान सभा का आयोजन किया गया जिसमें महाराज साहेब ने आए हुए श्रावकों को अपने प्रवचनों एवं भजनों के साथ निहाल किया। देख सकते हैं किंतु जिन ज्ञान नेत्रों के द्वारा हम अपने अंतःकरण का अवलोकन कर सकते हैं उन्हें उघाड़ने वाले गुरु ही होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है अज्ञान तिमिर अंधानम ज्ञानांजन शलाकया नयने उन्मीलिते येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञा अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से जो देखने की शक्ति से महरूम हो गए हैं, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से उन्हें उघाड़ने वाले गुरु वंदनीय और नमनीय होते हैं। गुरु ही जीवन के सच्चे मार्गदर्शक और कलाकार होते हैं। रोग से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके रोग का निदान और डायग्नोज करके समुचित औषधि प्रॉपर मेडिसिन के द्वारा उसे रोग मुक्त करता है। उसी तरह हमारी आत्मा में जो विषय विकारों के रोग रहते हैं गुरु उन्हें अपने ज्ञान और सदुपदेश रूपी औषधि से दूर करने का प्रयत्न करते हैं। गुरु ही जीवन के दोषों को दूर करके साधक को आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक अनेक प्रकार के संतापों से मुक्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव गुरु की कृपा से ही परमात्मा को पा सकता है, गुरु की कृपा से ही नर नारायण बनने में समर्थ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति तो संसार में विरले ही मिलेंगे जो साधना पथ पर चलने में अपने अंतःकरण के द्वारा मार्गदर्शन पा लेते हों। जन साधारण की ऐसी स्थिति नहीं होती, साधारणतया तो प्रत्येक व्यक्ति को साधना पथ की जानकारी लेने के लिए और उस पर सही तरीके से अग्रसर होने के लिए ऐसे ज्ञानदाता गुरुओं के समागम की आवश्यकता पड़ती है जिनके व्यक्तित्व से और आदर्शों से अनूठी प्रेरणा मिल सके। गुरु के सिखाए बिना कोई विद्या नहीं आती। पुस्तकों में तैरने की विधि लिखी हुई है किंतु सिर्फ उसे पढ़कर के ही कोई तैराक और स्विमर नहीं बन सकता। पढ़कर के ग्रंथों के रहस्य नहीं जाने जा सकते, वे तो गुरु के चरणों में बैठकर ही जाने जाते हैं। भले ही व्यक्ति जीवन भर पुस्तकों का पारायण करता रहे, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान और विद्वान क्यों ना हो जाए, किंतु जब तक गुरु का सानिध्य नहीं मिल जाता तब तक आध्यात्मिक विकास की कोई संभावना और कोई पॉसिबिलिटी किसी सूरत और किसी भी दशा में नहीं हो सकती है। गुरु शिष्य के हृदय का रूपांतरण करते हैं। वे श्रुत ज्ञान के साथ साथ अपना जीवन भी खुली हुई पुस्तक की तरह अपने शिष्य के सामने रख देते हैं और शिष्य गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के साथ साथ उनके जीवन से भी ज्ञान की शिक्षा और उपदेश अंगीकार करते हैं। गुरु ही समीचीन ज्ञान देकर शिष्य के मन में प्रसृत अंधकार को दूर करके उसके जीवन के कण कण को ज्ञान से आलोकित और प्रकाशित करते हैं। रुकिनी ने कहा है द टीचर इज लाइक द कैंडल विच लाइट्स अदर्स इन कंज्यूमिंग इटसेल्फ। शिक्षक ऐसा होता है जो मूक रूप से शिक्षण का कार्य करता है। गुरु हालांकि जबान से कुछ ना भी बोलें किंतु उनके जीवन के कण कण से ज्ञान और आचरण की अनूठी प्रेरणा उसके शिष्यों को प्राप्त होती है। गुरु मार्गदर्शक होते हैं। जिस तरह नमक के बिना कोई भी स्वाद नहीं लगता, उसी तरह गुरु द्वारा
जब तक चारित्र ना दिया जाए तब तक साधना में कोई महत्व, कोई गरिमा, कोई चमक का आना मुमकिन। और लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। तपाचार्य तपचक्रेश्वरी उपवर्तनी महासती श्री मोहन मालाजी महाराज साहेब जी की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका महासती डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब श्री निधि ज्योति जी महाराज साहेब प्रवचन सम्राज्ञी डॉक्टर श्री मुक्ता जी महाराज साहेब ठाणे नौ का 2022 का चातुर्मास एस एस जैन बिरादरी रूपा मिस्त्री गली में होने जा रहा है। एस एस जैन बिरादरी रूपा मिस्त्री गली की एक मीटिंग का आयोजन श्री एस एस जैन सभा रूपा मिस्त्री गली के प्रांगण में हुआ, जिसमें प्रवीण जैन को चातुर्मास कमेटी का प्रधान नियुक्त किया गया और सभी सदस्यों को चातुर्मास के निमित्त कार्यभार सौंपे गए। प्रवीण जैन एस एस जैन बरादरी का मुझको चातुर्मास कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मैं एस एस जैन कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझ पर मतलब इतना मेरे पर विश्वास जताया। और मैं लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। इस्कॉन लुधियाना एवं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कमेटी लुधियाना द्वारा 1 जुलाई 2022 को दिन शुक्रवार को रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसके संबंध में एक बैठक का आयोजन सिविल लाइंस में किया गया। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कमेटी के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन विधायक गुरप्रीत गोगी ने किया। इस मौके आयोजकों ने बताया कि यह रथ यात्रा जगराव पुल स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर से शुरू होकर लुधियाना के विभिन्न स्थानों से होती हुई आरती चौक में संपन्न होगी। जय जगन्नाथ। सब तो पहले तो मैं लुधियानवी अपने सारे मुबारकबाद देना कि किस तरीके भव्या स्वागत भगवान जगन्नाथ जी का, जो जगन्नाथ पुरी का, जो जिस दिन उत्थे निकलती उस दिन ही इतने निकल। एक टाइम पहली गल हो गया है, एक रथ यात्रा सारे लुधियाने शहर की साल के एक बार निकलनी है, जिन्होंने चल संचालक जी जिन्होंने सेवा मौका मिले, बड़े भाग्यशाली लोग ने। उन्होंने मेरे वे भीर काका सूद जी, मेरे वे भीर राजेश टांडा जी, साढ़े वे भीर संजीव बांके जी और साढ़े सुनील मेहरा जी, साड़ी माँ मीना शाह जी, बॉबी जी, बनवारी जी, विजय जी और सारे ही जिन्हें इतने मेरे दोस्त मित्र बैठे आ। ये असं भाग्यशाली लोग हाँ भी एड्डी वीडी 50 लाख की आबादी सानू कुछ लोगों को भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा का जो सेवा करने का मौका भगवान जी ने दिता और असं पूरे हर्षोल्लास के नाल ये यात्रा का प्रबंध कर रहे हैं। जगह जगह के उत्ते होल्डिंग जगह जगह के उत्ते सारे स्टाल लगे होंगे, संगत प्रसाद के स्टाल लगे होंगे। उस अलावा प्रॉपर साड़ी पंजाब सरकार वालों, आम आदमी पार्टी सरकार वालों, जो वध तो वध प्रशासन वालों प्रशासनिक और पुलिस के सानू प्रबंध करने हैं, ओ सी पी साहब वालों डीसी मैडम का जो कमिश्नर कारपोरेशन का वो ज्वाइंट मीटिंग करके असी उन्होंने अज ही डेट च फाइनल कर लेना, क्योंकि साडा सैशन चल रहा है 30 तरीक तक सैशन आ। पहली जगन्नाथ यात्रा इसलिए ये सारा कुछ सानू अज कल च ही करना पैना। तो जो साडी ड्यूटी लाई हैगी साडे प्रबंधक कमेटी ने, मानयोग साडे सारे लोग भरावां ने साडे ने, वो असी तनदेही नाल सरकार वालों जो भी इन्हां नू सुविधा चाहिए, जो भी इन्हां नू साडे वालों फैसिलिटी चाहिए, वो असी सारियां पूरियां करके दवांगे। लुधियाना वासियों बेनती करता भी ये भगवान जगन्नाथ जी आ रहे ने, कृपा करो सारा इतने लुधियाना कि मैं तो कहना पूरा पंजाब आवे, ताकि ये दिन बड़े मुश्किल नाल नसीब होंगे ने। तो असी भाग्यशाली है भी साड़ी पंजाब की धरती, खासकर लुधियाने की धरती और उस तो भी खास साढ़े वैसट कॉन्स्टिट्युएंसी तो कि मैं संगत ने विधानसभा का एक मैंबर बना के भेजा, उस कॉन्स्टिट्युएंसी चो लंघ रही है। तो इस करके मैं सारे बेनती करता अपने हल्का पछमी के निवासियों भी और साथ का सारे लुधियानवीज भी और सारे पंजाबियों भी, जिन्हें साडे हिंदू संगठन ने, जिन्हें साडे समाजिक संगठन ने, जिन्हें साडे धार्मिक संगठन ने, सारे मैं बेनती लाना कृपा करके वध चढ़ के हिस्सा लीए और अपने आप को निहाल करिए। पूरे पंजाब भर से श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, क्योंकि हाड़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ जी के रथ पर विराजमान होकर दर्शन करने का अत्यधिक लाभ है। जो भी जीव इस दिन भगवान के दर्शन करता है, भगवान उसकी झोलियां मनोकामनाओं से भर देते हैं, मुंह मांगे मुरादें पूरी होती हैं। आप एक बार भगवान जगन्नाथ जी के दर्शना हेतु जरूर आइए और आपकी झोलियां मनोकामनाओं से भर जाएंगी, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से अनेकों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इस रथ यात्रा के माध्यम से अनेकों लोग भक्त बने, अनेकों लोगों का जीवन बदला इस रथ यात्रा के माध्यम से।
आप सभी से निवेदन कि 1 जुलाई को श्री दुर्गा माता मंदिर पधार कर भगवान जगन्नाथ जी के और उसके भाई बलदेव एवं बहन सुभद्रा के दर्शन करें और शिला प्रभुपाद जी की कृपा के पात्र बने। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कमेटी की मीटिंग BBS बिल्डर में संपन्न हुई। आज भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से पूरे लुधियाना नहीं उत्तर भारत में जगन्नाथ यात्रा का प्रचार बड़े जोरों शोर से चल रहा है। आज उसके दफ्तर का उद्घाटन हमारे माननीय विधायक श्री गुरप्रीत सिंह गोगी जी ने हल्का वैश्य जो विधायक उन्होंने किया है। आज की इस यात्रा में जो 1 जुलाई से निकलने जा रही है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, पूरे उत्तर भारत में नहीं लुधियाना के लोगों में बहुत ही उत्साह है इस यात्रा के प्रति कि यात्रा में 100 से लगभग ज़्यादा स्टॉल लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा पर्यावरण को लेकर बूटे वितरित किए जा रहे हैं, बैटरी रिक्शा का प्रचलन किया जा रहा है और भी कई अलग सी जो चीज़ें हैं वो इस यात्रा में पेश की जा रही हैं। मैं तमाम लुधियाना निवासियों से ये विनती करूँगा कि आप इस यात्रा में पहुँच कर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन अवश्य करें। जय जगन्नाथ। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री कृष्ण सनातन धर्म सभा रजिस्टर द्वारा श्री कृष्णा मंदिर के 70वें स्थापना दिवस समारोह में परम पूज्य गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य गीता सत्संग का आयोजन श्री कृष्णा मंदिर मॉडल टाउन लुधियाना में किया गया। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश के हर हिस्सों में विरोध किया जा रहा है, वहीं आज लुधियाना के जलंधर बाईपास में राकेश पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया। इस मौके महिलाओं ने भी इस अग्निपथ योजना का जमकर विरोध किया और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस मौके मेयर श्याम सुंदर मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार के अग्निपथ कानून को रद्द करने के लिए आज रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो नौजवान फौज में भर्ती होकर 4 साल नौकरी करेंगे उनको केंद्र सरकार ना तो पेंशन देगी और ना ही कोई मेडिकल सुविधा, इस तरह वह 4 साल नौकरी करके कहां जाएंगे। उन्होंने दोष लगाया कि केंद्र सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले इलेक्शन के कारण केंद्र सरकार कह रही है कि नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। इस मौके उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सत्याग्रह है शांतमई ढंग दे नाल और सानू यह उम्मीद है कि सरकार इस वल ध्यान देगी और जो भी स्कीम को लेके आएगी देश की भलाई वास्ते बेहतरी वास्ते और इस तरह अधूरिया स्कीम ना लेके आन बल्कि नौजवानों ने एक सीधा रस्ता देने वास्ते एक सीध देने वास्ते देश की बेहतरी वास्ते स्कीम लेके आन ता जो नौजवान भी देश की तरक्की दे विच अपना हिस्सा पा सके। दस दौ जो कल थोड़ा चैनल को थानू कहे भी आह अधूरा काम करे हो तो चैनल की तरक्की वास्ते होगा कि देश की तरक्की वास्ते होगा। मैं नहीं समझता कि केड़ा अधूरा काम दिखा के शो करके मोदी जी देश की तरक्की करनी चाहते हैं। चार साल के सिखाएंगे नौजवानों कल बॉर्डर के नौजवान अधूरी ट्रेनिंग के नाल की रक्षा कर लूगा बॉर्डर के। ज़िला कांग्रेस कमेटी लुधियाना शहरी लुधियाने अज जो अग्निपथ योजना मोदी सरकार की वह विरोध कर रही है क्योंकि जो मोदी ने सरकार BJP की बनी सी उदो बड़े उस तो पहला वादे किए लोगों कि देश के नौजवानों रोज़गार मुहैया कराए जाएंगे नौकरियां दिखाई जाएंगी और बनने तो बाद ही अपना बदल गए उस वेले रंग बदल गए अपना कभी किसान विरोधी बिल लैके आ रहे कभी नोटबंदी लैके आ रहे कभी GST लैके आ रहे अज देश के नौजवान भी एक मजाक उड़ा दिता उन्होंने जिहड़ा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की आजादी की लड़ाई तो लैके अज तक जो जो काले कानून का विरोध करती आ रही अग्निपथ योजना का भी अज कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और असं मांग करते हैं ये जो कानून लैके इन वापस लैन। सरकार की आदत जिद्दी है किसान विरोधी बिल में भी कहते कि बड़ा सही बिल है लेकिन एक साल बाद फिर वापस लिता। इस तरह अंदोलन साडा राइट है देश की जनता का और असी मंग करांगे और दोबारा फिर जिस तरह भी सानू हाई कमांड साडी दा आदेश आऊगा प्रोग्राम आऊगा। अज दा धरना लुधियाने भी पूरे देश दे विच चल रहा वा उसे तरीके नाल अगे प्रोग्राम लैके आ रहे। अज असी कांग्रेस पार्टी ने कैंडीडेट्स खिलाफ़ के खिलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में धरने दिते है। अभी जी अजीब स्कीम लैके आए हैं जो नौजवानों के नाल
एक बहुत बड़ा गंदा मजाक किया कि चार साल की नौकरी दे के चार साल का काम दे के उस तो बाद उन्होंने वापस भेज देना और बेचारे चार साल बाद की करेंगे उन्हें कर फायदा जी उन्होंने लाइफ खराब करते पे 18 तो 22 साल की 24 साल की उम्र तक वो जाके बॉर्डर से जाएंगे काम सीखेंगे और जो घर वापस आ जाएंगे वो अगर फिर नवे काम लगेंगे झूठे वादे किए पोपला करते पे है जो वादा किया भी आप नौजवानों नौकरियां देंगे जितने तो पहला आ नौकरी 4 साल की नौकरी दे रहे हैं ये नौकरी है या मजाक है सारी दुनिया जानती है नौजवान आप पढ़े लिखे हैं समझदार है सब समझते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही काले कानून के हमेशा खिलाफ झंडा चक के बुलंद करके देश की जनता के नाल खड़ती है केंद्र सरकार के खिलाफ है जी गलत योजना लैके है अभी मंग करते हैं योजना वापस लिया जाए बिल्कुल बिल्कुल गलत है जी असी इस धरने के बिल्कुल खिलाफ हाँ असी जो अज असी धरने के बैठे हाँ असी बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ हाँ असी इस धरने के इस करके बैठे हाँ कि साढ़े बच्चे जेडे 21वीं साल की उम्र के रिटायर हो जाएंगे मैंने दसो उन्हों का फ्यूचर की है उन्हों का फ्यूचर कितने है अज जिंदगी जेकर असी आ अग्निपथ योजना मैं लगता है कि असी इनू रद्द करा दिता तो मैं लगता शायद असी बहुत कुछ जित लवेंगे 21वें साल के साडा बच्चा रिटायर हो जूगा कभी नोटबंदी कभी किसानों के उत्ते प्रहार कभी GST के प्रहार ये प्रहार ही प्रहार हो जा रहे हैं और किस असी हमेशा नोटबंदी के खिलाफ रहे GST के खिलाफ रहे किसानों के 3 बिल है असी उन्होंने खिलाफ रहे ये जेडे कांग्रेस पार्टी असी लैके आए हाँ असी बैठे हाँ असी इत्थे असी अपने नौजवानों के लिए बैठे हाँ बेरोज़गारी नूं दूर करना तो की है ये बस बेरोज़गार पैदा करनगे की कर रहे हैं मैनू ये दसो 21वें साल के बच्चा जिहड़ा हैगा रिटायर हो जूगा फिर उस तो बाद असी कहांगे कि साडा बच्चा रिटायर हो गया 12 लाख 12 लाख रुपये दे विच मैनू ये दसो 12 लाख रुपये दे विच क्या बच्चे का नवा काम खुल सकता नहीं खुल सकता इस करके असी इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हाँ अग्निपथ योजना के बिल्कुल खिलाफ असी अग्निपथ योजना बंद करने की मांग करते हैं। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब सरकार द्वारा लुधियाना की इंडस्ट्री से 45 दिन के एडवांस बिजली बिल लेने के फैसले का ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरप्रकट सिंह कालो ने सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की है। सरदार कालो ने कहा है कि MSME इंडस्ट्री तो पहले से ही मंदी की मार झेल रही है और सरकार उनकी मदद करने की जगह उन पर एडवांस बिल का बोझ डाल रही है। MSME इंडस्ट्री तो पहले से ही मंदी की मार झेल रही है और सरकार उनकी मदद करने की जगह उन पर एडवांस बिल का बोझ डाल रही है। MSME इंडस्ट्री तो पहले से ही मंदी की मार झेल रही है और सरकार उनकी मदद करने इंडस्ट्री तो पहले से ही
इंडस्ट्री तो पहले से ही इंडस्ट्री तो पहले से ही इंडस्ट्री तो पहले से ही इंडस्ट्री तो पहले से ही इंडस्ट्री तो पहले से ही इंडस्ट्री तो पहले से ही इंडस्ट्री तो पहले से ही इंडस्ट्री तो पहले से ही इंडस्ट्री तो पहले से ही लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।